ये हरिद्वार में गंगा नदी का पानी छोड़ने के लिए बनाया गया बैराज, भीम गोड्डा बैराज। इसके पीछे ये जो बांध बनाया गया है, ये आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पानी इकट्ठा करके फिर इसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये गंगा नदी के पीछे बनाया गया डैम है जो हम दिखा रहे हैं। ये सारा भीम गोड्डा बैराज या भीम गोड्डा डैम है। यहाँ से पानी कंट्रोल करके गंगा नदी से गंगा नहर निकाली जाती है। इसमें से ये आप तो देखेंगे नीचे ये जो पानी चल रहा है, ये कल कल की आवाज़ आ रही है पानी के चलने की। ये पानी, ये आपको मैं इसके दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। यहाँ से होते हुए इधर नदी में आ रहा है, नहर में आ रहा है, गंगा नहर। ये जो पानी चल रहा है आप देख रहे हैं, और ये आगे से हरिद्वार में बनाए गए सभी घाटों, हर की पौड़ी व अन्य घाटों से होते हुए, रुड़की होते हुए आगे उत्तर प्रदेश और आगे निकल जाता है। ज़्यादातर लोग ये जो गंगा नहर बनाई गई है इस पर बने हुए घाटों में ही स्नान करते हैं। ये आगे आप सामने हरिद्वार का नज़ारा देख रहे हैं, और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे ये इसी में से अरमान आ रही है, पानी भर रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साथ में ये दीक्षा भी पहुँच गई है। और उनकी माँ भी पीछे पीछे आ रही है। ये पहुँच गए तीनों, और यहाँ से गंगा का पवित्र जल भरते हुए यज्ञ गंगा नदी जो है हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए ये लोग यहाँ बैराज पर देखने के लिए आते हैं, फोटोग्राफी और जायका। ये यहाँ की हम देखें समुद्र तल से ऊंचाई 298.435 मीटर यहाँ दिखाई गई है। जो प्राकृतिक गंगा नदी है वो यहाँ पर रोकी गई है, इस पे बांध बनाया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भीम गोड्डा बैराज, और यहाँ से पानी रोक करके ये जो गंगा नदी है इसमें से पानी का बहाव को रोक दिया गया है। ये पानी ज़्यादा होता है तो ये आगे गंगा नदी है, जो पानी कम होने की वजह से इसमें नाम मात्र का पानी छोड़ा जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक नदी है उसका पानी अभी बंद कर दिया गया है। ये मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, ये उधर दूसरी तरफ से भी मैं दिखाऊंगा। ये बैराज
के ऊपर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये गंगा नदी का दूसरा किनारा मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये आगे सूखा हुआ दिख रहा है, यानी कि इस तरफ का जो पानी है वो बंद कर दिया गया है। इस तरह से आज हम जिसको गंगा मैया कहते हैं, गंगा माता भी कहते हैं और पवित्र गंगा नदी भी कहते हैं, उसके अद्भुत नज़ारे को हम देख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी और लोक प्रचलित सम्मानजनक यहाँ गतिविधि परमात्मा के द्वारा बनाई गई, प्रकृति के द्वारा बनाई गई और मनुष्य के द्वारा इसको मैनेज किया गया है। ये अलकनंदा भवन, जिसमें यहाँ सब कंट्रोल होता है, वीडियो देखने और इसका आनंद लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।